जो कोई गलत बात कर रहा है रिपोर्ट करो और खत्म करो, और हाँ, कौन शॉट दे रहा भाई तेरे को? तो हे गाइस, व्हाट्स अप, इसमें जॉनी को वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि ये आज मैं ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, जबकि ना मैं रोस्टर हूँ ना न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं बनाना पड़ रहा है मुझे बनाना पड़ रहा है। तो इस टॉपिक पे मेरे को आज बनाना पड़ेगा। सच्चाई बताऊँगा, मेरे से जितना होगा मैं सब सच्चाई बताऊँगा। फिर भी ये वीडियो पसंद नहीं आना तुम लोग को, तुम लोग क्विक करना। तो स्टार्ट करते हैं ये आमिर सिद्दीकी के बारे में। आमिर सिद्दीकी भाई, तू बोलना क्या चाहता है या करना क्या चाहता है, एक क्लैरिफाई कर दे हम लोग सबको, एक बार क्लैरिफाई कर दे। मेरे को पता है ये वीडियो आमिर सिद्दीकी तो नहीं देखा, लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आमिर सिद्दीकी के अभी तक फैन है, जो टिकटॉकर्स के अभी तक फैन है, लोग पर ये वीडियो बना के बोल रहा हूँ। देखो ये ऐसे ऐसे टिकटॉकर्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे टिकटॉकर्स, ये छोटे मोटे टिकटॉकर्स के वजह से ना ये टिकटॉक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ही आज अभी वो चले जाएगा, वो थोड़ा दिन लगता नहीं हो अभी रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, ये लोग सबसे बड़े फ्रॉड हैं। फ्रॉड, कैमरा के सामने ये लोग कुछ और बोलते हैं, कैमरा के पीछे कुछ और बोलते हैं। तो जैसे कि तुमको पता है आमिर सिद्दीकी कॉल रिकॉर्ड लीक हुआ है, कॉल रिकॉर्ड में उसने कैरी मिनाटी को बहुत गंदा गंदा गाली दिया है, उसने कहा डिश भी रिलीज करेगा, रमजान के बाद डिश रिलीज करेगा, देखते ना उसने डिश रिलीज कर चलेगा। आमिर सिद्दीकी, मैं तेको एक बात बोलता हूँ भाई, तू जो भी कर रहा है ना गलत कर रहा है, तेको भी पता है तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो थोड़ा दिन के लिए चुप ना भाई, तेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो कौन, फैजू भाई, पहले तो धमकी देता है तू और बाद में बोलता है मैं धमकी सब किसी को नहीं दिया हूँ, चल जाने दे। तूने यूट्यूब चैनल चालू किया, मोस्ट डिसलाइक वीडियो, वाह चलेगा, अभी वो मोस्ट डिसलाइक वीडियो ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकता है जल्दी, उसके साथ टेंशन नहीं है। देखो भाई, तुम लोगों में एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़, कैमरा के सामने जो है ना तुम लोग, जो कैमरा के सामने जो इतना सा भी बन रहे हैं ना तुम लोग, प्लीज़ कैमरा के पीछे भी वैसे ही स्वभाव रखो। तुम लोग ही बोलते हो ना टीम नवाब, तुम लोग ही बोलते हो ना गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, औरत की इज्जत मत उतारो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तेरा भाई क्या कर रहा है आमिर, तेरा भाई क्या कर रहे हो? फैसल सिद्दीकी, देखो तेरा, तुम लोग वीडियो देखो। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, तू रोएगा। ये ऐसा कोई वीडियो बनाते है क्या? नहीं, ऐसा कोई वीडियो बनाते है क्या? मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट, अगर ऐसा कोई वीडियो बनाते है, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस। मैं तुम लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे सब, ऐसे जो भी है ना, ऐसे जो भी टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स जो इलीगल्स वीडियो बना रहे ना, उन लोग पे हाथ उठाओ। जो कोई गलत बात कर रहा है गाइस, गाली गलौज कर रहा है, रिपोर्ट करो और खत्म करो, और रिपोर्ट करो, जो भी करो करो, रिपोर्ट करो, उन लोगों को रहने का ही नहीं ऐसे जगह में। यह ऐसा एसिड डाल के यंगस्टर को अप्रिशिएट कर रहा है, ये गलत बात है यार, गलत बात है। आमिर सिद्दीकी ने खुद कहा था उसके एक वीडियो में, हमको जो फॉलो करते हैं उनका एज ग्रुप होता है 14 to 24, सो दे आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया, तो आज वो हमको देखेंगे हमसे सीखेंगे, तो आज वो हमको देखेंगे हमसे सीखेंगे। तो उसका भाई ने ऐसा वीडियो बना के उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है क्या, जो एसिड डाल के ऐसा वीडियो अप्रिशिएट? भाई तू जेल जाएगा पक्का, पॉइंट है तू जेल जाएगा, तेरे ऊपर FIR हुआ है, TV9 रिपोर्ट न्यूज़ में भी तू आया है, तू जेल जाएगा पक्का। गाइस, तुम लोग को अगर मैं गलत लग रहा हूँ ना, चलेगा, मैं गलत लग रहा हूँ तो भी चलेगा, लेकिन तुम लोग को मैं एक ही बात बोलता हूँ, ऐसे लोग किधर भी तुम लोग को मिलेगे ना, पहला रिपोर्ट करो, ऐसे वीडियो को सब अप्रिशिएट करना ही नहीं, कभी नहीं करना, ना ऐसे लोगों को करना ना ऐसे वीडियो को करना,
फटाफट उल्लक के चैनल में जाओ, उल्लक को को एक रिपोर्ट कर ही छोड़ो। तो चलिए आते हैं आमिर सिद्दीकी पे। आमिर सिद्दीकी भाई, तू क्या समझता है यार खुद को, मेरे को पहले तो वो बता क्या समझता है। नूर सिद्दीकी को तू फोन करके धमकी देता है, नूर सिद्दीकी को तू बोलता है मुंबई में तू आ, मैं तेको ये कर लूंगा वो कर लूंगा। देखते भाई तू सच्ची में डॉक्टर का बेटा है ना, डॉक्टर का बेटा ऐसा कोई रहता है क्या यार। मॉस्को में 6 साल पढ़ के आया ना तू, 6 साल मॉस्को में पढ़ के आया ना, मॉस्को में यही सिखाया क्या? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है। लेकिन तूने क्या करा मॉस्को में जाके ऐसा ऐसा? और तूने क्या बोला कैरी को? डिस डिस करेगा। इंडिया के सब टॉप क्रिएटर्स में एक आता है वो, पता ना भाई अपने को कुछ नहीं बोलेगा। कैरी को तू भी पहचानता है, कैरी को तू भी फॉलो करता है, लेकिन तूने तो गलत कर रहा है यार, कसम से तूने तो गलत कर रहा है। पॉइंट है यार, तू नहीं बोलता है कैरी को। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो, लेट कैरी मिनाटी रोस्ट आमिर सिद्दीकी। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। और कैरी जब वीडियो बनाते है तो क्या बोलते है? कैरी वीडियो बनाया लेकिन मेरे पॉइंट को समझा नहीं, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। हाँ, और उसको बोलता है कि तू फोन करके तू गाली देते है, तेरा कॉल रिकॉर्ड लीक हुआ ना, वो भी सुना होगा, सुनो तुम लोग। ये बनता है मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। सही है ले लो मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है, अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमज़ान था इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद, जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊँगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी ना। मेरा नाम आमिर नहीं, वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना वो भड़वे को, उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही गंदी गंदी गाली देता है यार। ये गलत है यार आमिर, गलत है। मेरे को पता है तेरे ईगो बहुत हर्ट हो रहा है यार, तू ना बहुत गलत कर रहा है यार। यार अदनान, तूने क्या बोला? अदनान कौन? अदनान Team 07 पता रहेगा ना अदनान, उसमें उसने क्या बोला था एक लाइव में? ये लोग दोनों लाइव थे, आमिर सिद्दीकी और अदनान इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे। तो ये अदनान बोलता है कि गालियां दे रहे गंदी गंदी माँ बहन की, इन लोग या तो फिर अपनी माँ बहन से भी वैसी बात करते रहेंगे तभी ये दूसरी की लड़की की माँ बेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो तुम। बहुत ही लोग शरीफ है, लाइफ पे ये लोग ऐसा बात करते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा बात आ रहा है। तो अदनान, अदनान के फैंस जो भी है मेरे को पता है, ये मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरा वीडियो सब इतना जाएगा नहीं, लेकिन जो तुम लोग देख रहे हो ना, तुम लोग तो सवाल उठा सकते हो ना, ये सवाल तो उठा सकते हो ना। कैमरा के पीछे ऐसा रहते हैं, कैमरे के सामने ऐसे रहते हैं। मैं तो कहता हूँ ना ऐसे लोगों को बैन कराओ, ऐसे लोगों को बैन आईडी बैन करा दो। एक फोन करके धमकी देना, इतना गंदा गंदा गाली देना, डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस। अरे भाई तू खुद को MEV समझे क्या, या डिवाइन समझे, या रफ्तार समझे, जो तो डिस करके सिर्फ गंदा गंदी 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 गाली देगा, सिर्फ क्या गंदी गंदी गाली देगा। तो अभी तो ये लोगों को समझ गया रहेगा, वो आमिर सिद्दीकी ने बोल रहा था सब टिकटॉकर्स को यूट्यूब पर आने का है, आने दो और यूट्यूबर्स को वहाँ से ही भगा देंगे। वो आया ना कौन? फैजू। उसको तो पता रहेगा, लग गया रहेगा ना इंडियाज मोस्ट डिसलाइक वीडियो। आओ भाई सब प्लेटफॉर्म में, सब अपने अपने बेस्ट देगा, यूट्यूब तुम लोगों को पगार देगा, हम ना कोई है कि जो बोलने वाले। तो मेरा तो पॉइंट ये है कि बस तुम लोग बड़े लोग, तुम लोग ही ऐसा करेंगे, सबके अगेंस्ट ऐसा ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा यार। प्लीज़ आमिर सिद्दीकी थोड़ा माफ़ी मांग ले यार, क्या जाएगा एक सॉरी बोलने में, क्या जा रहा है, है ना? सॉरी बोल दे, सब ख़त्म कर दो अभी जो भी है, देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पहुंचाओ जिधर तक पहुंचाने का, अपने को बस इंसाफ चाहिए, यूट्यूब का इंसाफ चाहिए। यूज़ #WeWantCarrieVideoBack।
थैंक यू। अरे ले 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 ले, बंद करो यार, बच्चे लोग सब बिगड़ रहे।